धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि जो मेरे पीछे पड़े हैं वो हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं। हिंदू तो जीवन पद्धति है, धर्म कहाँ से आ गया उसको बताना बच्चे को कि धर्म मैं बताता हूँ क्या होता है। सर वो खोया पर्स मिलवा देता है, क्या दिक्कत है? अरे खोया पर्स जब पुलिस पुलिस जो एजेंसी इतनी ट्रेनिंग लेके वो कहाँ से आ गया? रामायण करते करते वो इतनी सारी एजेंसियों की पावर कहाँ से लेके आ जाएगा? वो बीमार आदमी को ठीक कर देता है बिना दवाई बिना अस्पताल बिना डॉक्टर, चमत्कार है उसके पास। ये जो अंधविश्वास और पाखंड है ना, ये भारत सदियों से इस दंश को झेलता आ रहा है, उसी का परिणाम है कि जो बार बार आपके वायरस दिमाग में आता ना ब्राह्मण ब्राह्मण, ये शूद्र वैश्य शूद्र। मैं धीरेन्द्र शास्त्री ब्राह्मण कुल के हैं, चमत्कार करते हैं। वही आप मुझे भी ब्राह्मण बोल देते हो, इंसान क्यों नहीं बोलते आप? मैंने कब कहा आपको मैं ब्राह्मण हूँ? आप मुझे शूद्र मानो वैश्य मानो क्षत्रिय मानो ब्राह्मण मानो, मैं सब हूँ। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ आदमी चमत्कार लेकर पैदा हुआ। आप कुछ भी बोल देते हैं फिर मुझे चुप रहना पड़ता है, कैमरे के सामने बात अच्छी नहीं जाएगी। मेरी प्रार्थना आपसे यह है शंभू सिंह जी, पर्सनल नाम लेके बोल रहा हूँ, बाकी किसी ने नहीं पूछा है, ऐसे प्रश्न करो जीवन के बुनियादी हकों पर। बता धीरेन्द्र शास्त्री से दिक्कत क्या है आपको? वो एक ब्राह्मण कुल का 26 साल का युवा है, वो देश में चमत्कार करे, आपको दिक्कत क्या है? फिर वही ब्राह्मण कुल। अरे ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाला, वो कोई भी हो सकता है। मैं ग्रंथों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पाखंड की बात कर रहा हूँ। कैसे पाखंड है, सबूत तो दीजिए। पूछो एक प्रश्न पूछ लो आपसे सामूहिक, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे? बोले नहीं अभी तो नहीं देंगे हम। कोई ब्रह्म ज्ञानी हम ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुए, जो सब पत्रकारिता से जुड़ा हुआ प्रश्न कर रहा हूँ। हम दावा नहीं करते कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, मैं शूद्र हूँ, मुझे नहीं आता है। प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है तो ये आपको आज की तारीख में पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए। आप सवाल कीजिए सर। आप सब लोग जो खड़े हैं, जितने लोग कैमरा ऑन करके खड़े हैं, आप जनता है, श्रोता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, भीड़ है, नागरिक है, क्या है आप बताइए? देश के नागरिक हैं पहले। नागरिक की डेफिनेशन क्या होती है आप बता दीजिए, फिर मैं बता दूं तो फिर तुम क्या बताओगे? अरे धीरेन्द्र शास्त्री पर बताइए ना गुरुजी, फंस गया। क्वेश्चन है, आप जनता है, श्रोता है, वक्ता है, प्रवक्ता है, भीड़ है, धीरेन्द्र शास्त्री को मानने वाले लोग हैं, आप बताइए कैसे कैसे अंधविश्वासी है? इतने कैमरे आपके पास, कोई तो एक शख्स बोलो कि आप क्या हैं? हम भारत के नागरिक हैं, टाइम टाइम पे हम सब हैं। एक व्यक्ति पत्रकारों का, देखिए पत्रकार मतलब कम पढ़ा लिखा, मैं मान लिया। मुझे बताइए धीरेन्द्र शास्त्री से, आप धीरेन्द्र शास्त्री कैसे पाखंडी है, आप सबूत दीजिए। पत्रकार मतलब कम पढ़ा लिखा? हाँ पत्रकार मतलब काम चोर, पत्रकार मतलब चापलूस, पत्रकार मतलब सबसे कम पढ़ा लिखा, पत्रकार मतलब पेट पोसा, थपेड़े खा के पत्रकार इतना मजबूत हो जाता है कि वो ऐसे प्रश्न करता है कि आपके पेट से सारी चीज खुलवा लेता है। जैसे हाथ कर रहे हैं उनके जो भक्त हैं। हाँ धीरेन्द्र शास्त्री पर बोलिए सर। सुनिए, ये जो भारत है ना, भावना प्रधान देश है, इसी कारण यहाँ पे लोकतंत्र विकसित नहीं हो पाया। बात गहराई से सुनिएगा, साफ तो बोल रहा हूँ कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बच्चा है 26 साल का, भी उसे अध्यात्म का काका का भी पता नहीं है। एक ज्ञान की उल्टी करना बात अलग है, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। वो ज्ञानी व्यक्ति होता तो क्या ऐसी बात करता? वो कहता कि श्याम मानव जी कहाँ आना है आप बताइए, मैं आता हूँ, जो ज्ञान मेरे अंदर है उस ज्ञान का मैं प्रकट करूंगा आपके सामने, क्योंकि मैं तो समाज के सामने कर रहा हूँ और ये वेरिफिकेशन अब मेरी ड्यूटी हो जाती है। जैसे मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि योग चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये कला है। अगर ये विज्ञान होता मेरी उंगली कट जाती तो मुझे एमएस के पास जाना पड़ता कि नहीं? मेरे ऐसा तो इतने जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के जो लाखों लोग आ रहे हैं वो उनको क्या कहें, वो क्या बेवकूफ है? कितनी बार सुनोगे आप, ये भोला भोला भंडारी देश है, पेट से सोचते लोग, अपने वोट की कीमत करना नहीं जानते, 55-60% वोट होता है और आप कैसी बातें करते हो? लेकिन धीरेन्द्र कह रहे हैं कि हमारे जो खिलाफ है, आपके जो दोस्त है श्याम माना, वो हिंदू विरोधी है। 2019 में 37% वोट इसको मिला इस बड़ी मेजर पार्टी को, 303 सीट वाली को, राइट? 63% लोगों ने खिलाफ वोट किया, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अरे बाबा कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि ये हिंदू विरोधी लोग है, आपका जो दोस्त है श्याम मानव वो हिंदू विरोधी है। मेरा ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, मैं समसामयिक बात कर रहा हूँ। हाँ। मैंने दोनों का पक्ष सुना है। हाँ। और मैं श्याम मानव के साथ हूँ, नैतिक समर्थन करता हूँ। हाँ। कि वो पाखंड के खिलाफ है। हाँ। और मैं लड़ता रहा हूँ, 45 साल हो गए मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया में दो जातियां, मैं कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो तो छोटी सी लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ दुनिया में सिर्फ दो जातियां, मेल एंड फीमेल। आपका पर्स मिल जाए तो क्या मान लेंगे? सुनिए, आपका पर्स अगर धीरेन्द्र शास्त्री ढूंढवा दे तो आप मान लेंगे कि वो ज्ञानी और दिव्य पुरुष? मेरे पर्स के लिए मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैंने पुलिस में FIR कराया, मेट्रो में CP से बात किया, संजय से, संजय ने DCP को फोन किया, DCP ने SHO को फोन किया, मेरा कम्युनिकेशन हुआ। आपका दिव्य ज्ञान से ज्यादा आपको पुलिस पर भरोसा है? पुलिस उसकी एजेंसी, ट्रेनिंग होती है, जैसे आपके पास ट्रेनिंग है, अभी अनजान आदमी को एक कैमरा दे दो प्रश्न करना नहीं आएगा उसको, हर चीज की ट्रेनिंग। मानते हैं ना कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू हृदय सम्राट है, वही धर्म को आगे बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। यार एक 26 साल के नौजवान को आप मेरे से क्यों सर्टिफिकेट दिलवा रहे हो? मैं क्या हूं? मैं आप पुरोधा है, आप पुरोधा है हिंदू समाज के। किसने कहा आपको? हम कह रहे हैं भाई, हम जानते हैं ना। तो मैं आप मुझे पुरोधा मानते हो तो मैं कह रहा हूँ कि उनको वैज्ञानिक परीक्षण देना चाहिए। नहीं, आप उनके समर्थन में क्यों नहीं खड़ा हो रहे हैं? मैं क्यों समर्थन में खड़ा हूँ, किसी के विरोध में खड़ा हूँ? वो बुलडोजर खरीदने की बात करते, कहते हैं हिंदू, बताइए वो हिंदू को, हिंदू बुलडोजर का, वो देश का निर्माण कर रहे हैं। तो बुलडोजर क्या खाली विध्वंस करने के काम आता है? वो कह रहे मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला, बुलडोजर मुसलमानों के घर पर, बताइए बुलडोजर विध्वंस करता है? उसके निर्माण की अवधारणा को आप खत्म कर देंगे? वो निर्माण करने के बुलडोजर मंगा रहे थे। अब ये उनका तय करना, उनको तय करना कि वो किस लिए मंगा रहे हैं। एक फाइनल सुने, एक फाइनल टेक संत जी, एक फाइनल टेक, क्या आपको अभी भी आप इस बात पर कायम है कि धीरेन्द्र शास्त्री कर्मकांडी है? ये सियानों में जवाब दीजिए, ऑब्जेक्टिव सवाल है। अरे धर्म का प्रचार करने का सबको अधिकार है, लेकिन धर्म की आड़ में जो चल रहा है उसको रोकना चाहिए। कहा था वो कर्मकांडी है कि नहीं है जो श्याम मानव कह रहा है? आप नहीं है,
ये आप हाथ में लेकर के माइक खड़े तो कर्म कांड और क्या होता है, आप कर्म पुरुषार्थ के साथ जोड़ रहे हो। बच रहे सब, आप धीरेन्द्र शास्त्री पर स्टैंड लीजिए। बात करता हूँ, आप लोग घुमाते हो। धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म के प्रवर्तक है, वो आपने अभी कहा कि वो कर्म कांड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। उसको लाइसेंस किसने दिया हिंदू धर्म प्रवर्तक होने का? क्या लाइसेंस है उसके पास? ब्राह्मण कुल में पैदा होना ही अपने आप में एक लाइसेंस है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, जो मानव जाति में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आप किससे पैदा? जो दुनिया के हम लोग तो शूद्र हैं, पैरों से पैदा हुए हैं। पैरों से? हाँ। तो आपके दिमाग में मतलब तरस आता है ना? चलिए चलिए, हम तो धर्म ग्रंथ की बात बता रहे थे। ढोल शूद्र गवार पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी। ढोल पशु देखिए, ढोल शूद्र पशु नारी ये सब तारना के अधिकारी। इस संसार में आने वाले सब जीव माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं, जो इंसानी रूप में आते हैं। चार तरह से पैदा होते हैं, अंडज, देशज, भेषज। देखिए वो पूरा साहित्य है उसका। ये बिल्कुल सच बात है कि आपके शरीर पे भी बहुत से जीव पैदा होते हैं, आपके श्वास। ब्राह्मण समाज मुख से पैदा हुआ है, ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुआ है, आप अपमान कर रहे हैं। इंसान माँ के गर्भ से पैदा होता है, स्त्री और पुरुष के मिलन से प्रकृति प्राकट्य करती है अपनी सत्ता का। इसको तो ये धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर साफ साफ कहना है, बाबा का, संजी का साफ साफ कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अफवाह फैला रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़।